इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, अगर समझने में इंटरेस्टेड हो तो यहां आप देख लो। मान लो ये ए है, एक नंबर है, और ये जो है दूसरा नंबर है बी। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इनफैक्ट पूरे चैप्टर में हम तीन तरीके से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जैसा कि पहले मैंने बताया भी था। पहली जो हमारा मेथड होगा बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, इसके बाद जो मेथड होगा उसका नाम होगा कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर, आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की, ये आपके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। वही फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे जो आपने क्लास 8th या 9th या उससे भी पहले आपने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, तो उसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं इस सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है इसे फैक्टराइज कर लेना है, और इक्वल टू जीरो को लेकर के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसे एज यूजुअल आप कॉपी डाउन करते जाओगे। तो अगर बात करें कि इसे कैसे फैक्टराइज करोगे, तो एग्जैक्टली वैसे ही करोगे जैसे कि आपने क्लास 9th या उससे पहले आपने किया होगा। तो आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करते होगे, आई होप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसके बाद इसकी प्राइम फैक्टर्स आप निकालते होगे, कुछ ऐसा आप करते होगे, 2 5 जा और 5 1 जा भी आप ले सकते थे। इसके बाद इन दोनों को आप कुछ ऐसे अरेंज करते थे सो दैट कि ये -3 आ जाए, राइट ना। तो आई होप कि यहां मैं ज्यादा बता करके समय आपका लॉस्ट नहीं करूंगा, ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी इतना बता दूंगा कि अगर थोड़े बहुत आप भूल गए हो तो भी आपको बात ये आसानी से समझ में आ जाएगी, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो मैंने ऐसा इसको लिख लिया, ठीक है, इसको तो मैंने बिल्कुल कॉपी डाउन किया, इनफैक्ट पहले और आखिरी वाले को भी मैंने कॉपी डाउन किया, और इसके बदले मैंने ये लिखा। आप इसको सॉल्व करके देख लो कि -5 और +2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और एक्स तो रहेगा ही, तो ऑब्वियसली हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा आपने पास्ट में कई बार किया है। इसके बाद क्या करते थे आप, पहले 2 से कॉमन लेते थे, तो चलो आप कॉमन ले लो, तो x को आपने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा x-5। इन दोनों से आप कॉमन लोगे तो 2 आप कॉमन ले सकते हो, और इट विल गिव यू अगेन x-5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप देख सकते हो यहां टोटल आपके पास 2 टर्म्स है, दोनों से आप x-5 कॉमन ले लोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे x+2, ऐसा आपने कई बार पास्ट में किया है, तो इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इसमें। तो इसके बाद क्या करना है कि आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0, बस देख लो। अब इतना जो आपने काम किया ये तो आपने एग्जैक्टली फैक्टराइज ही किया, इसके बाद आप क्या लिखोगे, एक बार इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ, एक बार इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ। इनफैक्ट इसे कई तरीके से आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि x-5 इज इक्वल टू 0 बाय इतना इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसा तो लिख ही सकते हो, लेकिन दूसरे सिचुएशन में अगर आप इसे नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू 0 बाय दिस इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। देखो ना मैं लिख के थोड़ा ठीक से बता रहा हूं कि x+2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय ये वाला नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि ये इनटू में है ना, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 ही तो होगा, तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, अगर समझने में इंटरेस्टेड हो तो यहां आप देख लो। मान लो ये ए है, एक नंबर है, और ये जो है दूसरा नंबर है बी, ठीक है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो इज इक्वल टू मैंने 0 लिखा, इसके बदले मैंने ए लिखा और इसके बदले बी लिखा, मैं बोल रहा हूं कि दोनों की जो प्रोडक्ट है तो 0 है। तो ये कब मुमकिन है, तो ये उसी कंडीशन में मुमकिन है, या तो ए 0 होगा, और अगर ए 0 नहीं हुआ तो पक्का बी 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 पक्का होगा। हाँ, दोनों 0 की बात यहां इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं, राइट ना, तो या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, इसलिए हम इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज भी आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स एज 5, व्हाइल इसे आप सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स एज -2। तो देखा आपने, काफी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया, और इस तरीके से हमारे पास x के दो दो वैल्यूज आ गए। और जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम आपके पास 2 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, लेकिन एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई सारे एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो काफी केयरफुली इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो प्रोसेस लेकिन एज यूजुअल पहले जो हमने किया था वही होगा, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 5 √2 √2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो पहले तो हम इसे कहीं लिख लेते हैं साइड में, या देखो मैंने लिख लिया 10। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स इसका लोगे तो फिर से
टू और फाइव ही आ रहा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो थोड़ा इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर, मैंने पहले इसे कॉपी डाउन किया, और इन दोनों के हेल्प से मैं सेवन लाने की कोशिश करता हूं, जो काफी आसानी से मैं ला सकता हूं। देखो मैंने लिखा टू एक्स प्लस फाइव एक्स, और ये आ गया हमारा सेवन एक्स, और बाकी तो हमें कॉपी डाउन कर लेना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आफ्टर दैट इन दोनों से आपको कुछ कॉमन लेना है, और यही थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है इस क्वेश्चन को। अब बताओ मुझे आप क्या कॉमन लोगे। देखा जाए तो इन दोनों से आप स्क्वायर रूट ऑफ टू को भी कॉमन ले सकते हो और एक्स को भी कॉमन ले सकते हो। कैसे, देख लो आप पूरे ठीक से। स्क्वायर रूट ऑफ टू मैंने कॉमन लिया और एक्स भी कॉमन लिया, ये स्क्वायर रूट ऑफ टू भी दिया और एक्स भी दिया, तो इसके पास सिर्फ बचेगा एक्स। इस प्लस को मैंने यहां लिखा, और देखो रूट सॉरी टू का मतलब क्या होता है, टू को आप स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू ऐसा बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो इस हिसाब से ये जो टू है ये इनफैक्ट रूट टू और रूट टू है, और इसमें से एक ये कॉमन दे दिया है, तो बचा इसके पास क्या, सिर्फ एक बचा, तो यहां बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू, और एक्स तो आपने निकाल ही लिया है, तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इन दोनों से मैं प्लस फाइव कॉमन लेता हूं, जैसे ही प्लस फाइव कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये काफी सिंपल है, इज इक्वल टू जीरो मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या लिखोगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, इनफैक्ट ना यहां भी आप इन दोनों से कॉमन ही ले रहे हो, देखो इससे और इससे आप ये कॉमन लिए, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स बचेगा, ये डॉट नहीं है, और प्लस फाइव बचेगा इज इक्वल टू जीरो। और फिर से जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में बताया था, एक बार इसे इक्वेट करोगे जीरो से और दूसरी बार इसे करोगे, इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया है आपको। तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, और लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस टू आपको ये दे देगा, ये वाला पार्ट जो है, और इस वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये देगा आपको x का वैल्यू माइनस फाइव बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू। कुछ केसेस में आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, ये तो खैर सब्जेक्टिव है, आपकी पर्सनल चॉइस पे ये डिपेंड करता है, लेकिन ये चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में आपको यही आंसर मिलेगा, अगर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है तो। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और ट्रिकी वाले क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है बट मजेदार है। आप सबसे पहले इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, और कितना आ रहा है देखो, ये 7 3 21 आ रहा है, और 21 के जब प्राइम फैक्टर लोगे तो इंटरेस्टिंग 3 और 7 ही आ रहा है, और इसके हेल्प से आपको प्लस 4 लाना है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले तो इसे एज यूजुअल कॉपी डाउन कर लिया, और ऐसा करते हैं मैं लिख लेता हूं माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन इज इक्वल टू जीरो। एक बार रुक करके जस्ट कर लीजिएगा कि क्या ये और ये इक्वल है। आप देखो ना माइनस थ्री एक्स और प्लस सेवन एक्स ये कितना हो जाएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या ये प्लस फोर एक्स होगा। तो आपने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको पहले दो से कॉमन लेना है। फिर से हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 आप ले सकते हो और एक x भी ले सकते हो। अब बताओ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7x, और माइनस में सब कुछ आपने कॉमन ले लिया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा आपके लिए। और फिर से हम यहां प्लस लिखते हैं, और देखो पिछली बार की तरह इस बार फिर से हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 कॉमन लेते हैं, राइट ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। तो अब बताओ क्या बच जाएगा यहां, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 7 और x बचेगा, और माइनस यहां 1 बचेगा। ऐसे एक ट्रिक देना चाहूंगा, अगर नहीं जानते हो, ये दोनों हमेशा इक्वल आएगा, और अगर इक्वल नहीं आया तो या तो आप गलत बना रहे हो, और ऐसे भी फायदा क्या है, अगर इक्वल नहीं आया तो आगे आप कॉमन कैसे लोगे, ठीक है। एम्प्लॉयज कार्ड वगैरह आप लिख लेना। तो देखो मैंने ये लिखा, और फिर इन दोनों को लिखेंगे जैसा पहले हमने किया था, तो थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, इज इक्वल टू जीरो, एंड नाउ यू नो वेरी वेल दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो सेपरेटली कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप, मैंने पहले तो सॉरी ये माइनस है, 1 इज इक्वल टू जीरो लिखा, और मैं लिख लेते हैं उसे 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, और ये आपको दे देगा x का वैल्यू कितना बताओ तो 1 बाय अंडर रूट 7, और इस वाले सेक्शन से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू नेगेटिव रूट 7 डिवाइडेड बाय 3। आई होप कि ये चीज आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट जो था वो पहले और आखिरी टर्म के साथ था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये मिडिल टर्म के साथ है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट तो वही रहेंगे, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी कहीं ना कहीं ये जरूर हो जाता है। तो खैर इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल पहले हम इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यू नो वेरी वेल 6, और पहले हम क्या करते थे, इसकी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते थे, तो 2 3 4। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा आप नहीं कर सकते हो, वजह यह है कि 2 और 3 के हेल्प से आप ये नहीं ला पाओगे। तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंदाज अपना बदलना होगा। आपको याद आ रहा होगा
कि हम 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख सकते हैं, और इस अंदाज में अगर इसे एक्सप्रेस करें तो 6 को हम कहीं ना कहीं ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। नो डाउट ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो खैर, इन दोनों के हेल्प से अब आपको ये लाना है जो आप काफी आसानी से थोड़ी समझदारी के हेल्प से ला सकते हो। देखो मैं ला करके आपके सामने दिखाता हूं, मैंने देखो क्या लिखा, एक स्क्वायर रूट ऑफ 6 के हेल्प से ये लिखा और दूसरे वाले की हेल्प से मैंने फिर से इनफैक्ट वही लिखा, और इसे मैं कॉपी डाउन कर लेता हूं। तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक भी आपको कर लेना चाहिए कि जो आपने काम किया वो सही है या फिर गलत तो नहीं है। तो इसके लिए आप इन दोनों को सॉल्व करो, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? बिल्कुल ये आ रहा होगा, और एट द सेम टाइम इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। आप करके देखो ना, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, साइन के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, प्लस या माइनस जो भी है, इन पूरे साइन के साथ आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इसे भी आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये दोनों पक्का इक्वल आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एनी हाउ, हमने क्रॉस चेक कर लिया, अब आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। फिर से देखना, मजा लेना इस क्वेश्चन का। अब देखो, इन दोनों से आप कॉमन क्या लोगे? पहली नजर में आप सिर्फ एक्स ही कॉमन ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है, आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी कॉमन ले सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बता देता हूं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स को भी दो बार लिख सकते हैं, बट चलो दो बार लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक्स इंटू एक्स लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर को, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके साथ भी हम वाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स प्लस 2 के बदले फिर से वही आइडिया यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, दोनों से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले तो आप कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो, और काफी आसानी से आप बता सकते हो आपके सामने क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 x बचा, और इसमें से क्या बचा देखो तो, आप इन दोनों को कॉमन लिए तो ऑब्वियसली ये बचेगा, राइट ना। अब ऐसा करो, इन दोनों से आप माइनस सबसे पहले कॉमन ले लो, और क्या कॉमन लोगे? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लोगे, और तो आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते हो, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस में आएगा, और प्लस तो पहले लिखने की जरूरत नहीं है आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x बचा, और ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, और एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपने कॉमन लिया, एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां रह जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या करोगे? इट्स वेरी सिंपल, आपको पहले ये लिखना होगा और दूसरे ब्रैकेट में आपको इन दोनों के साथ लिख लेना है, जो कुछ भी हमारा वे था उसी तरीके से आपको ये काम कर लेना है, राइट ना। और अब सबसे पहले इसे इक्वेट करना है 0 से, तो चलो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़े अलग अंदाज में भी बनाए जा सकते हैं, मैं वो भी आई होप बताने की कोशिश करूंगा आपको, चलिए बता ही दूंगा, अभी ही बता दूंगा, लेकिन पहले इसे आप देख लो, ठीक है। तो ये तो हम बिल्कुल कर ही सकते हैं, जब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो ये आपको x का वैल्यू दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इंटरेस्टिंगली कि जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपको x का वही सेम वैल्यू दे रहा है, राइट ना। तो इस तरीके से जो भी हो हमने सॉल्व किया, ये बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट प्रोसेस भी है इसे सॉल्व करने का, तो मैं वो भी आपको शो कर देता हूं, पहले तो आप इसे कॉपी डाउन कर लो। अब चलिए मैं दूसरे अंदाज से इसे सॉल्व कर देता हूं आपके सामने, सो दैट कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कंसेप्ट कहीं कम ना रहे। अब कैसे इसको कर सकते हो ये देखो, अब जरा गौर फरमाना, इसे आप क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर, एम आई राइट? क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल आप लिख सकते हो, इस माइनस के बदले माइनस लिख लो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, और प्लस में मैं देखो इस 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिखता हूं, और इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ इतना तो कर सकते हैं ना, इसे हम अभी प्रोसेस करते हैं, लेकिन इतना तो क्लियर है। अब देखो इसे कैसे प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं 2, खुद से 2 लिखता हूं, ये वाला 2 मैंने नहीं लिखा, खुद से लिखा हूं 2, उसके बाद मैं लिखता हूं इसे, उसके बाद लिखता हूं इसे। तो इसको लिखने का मतलब ये, और इसको लिखने का मतलब आपको मालूम है ये। अब देखो ये एक फॉर्मूला में सेट हो गया होगा, एज वेल एज ये दोनों इक्वल भी होगा। सबसे पहले आप देख लो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने देखना इसे देख करके ये नहीं लिखा, मैंने ये कैसे लिखा, 2ab 2 लिखा और फिर ये लिखा और फिर ये लिखा, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। देखो ना ये दोनों इक्वल है, आप करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, ये दोनों इक्वल आ रहा है। और फायदा ये हुआ कि एक फॉर्मूला में सेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका मतलब क्या होता है आप सबको मालूम है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा।
और इस तरीके से इस स्क्वायर को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। और फिर आप देख सकते हो कि x का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो वहां दो होगा आंसर, तो एक ही आएगा लेकिन एक ही इसका एक कॉपी हो जाएगा। तो आप इसको और में दो बार लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते थे, कंसेप्ट को समझो ठीक है। इस स्टेप के बाद मैं शो कर रहा हूं, देखो आप ऐसा कर सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि यहां स्क्वायर है तो उसे आप दो बार लिखोगे ना, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा आप बिल्कुल लिखोगे। तो आपने ऐसा लिखा इज इक्वल टू 0 कर सकते थे, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, इसे सॉल्व करोगे तो फिर से ये मिलेगा, तो इस तरीके से दो रूट्स आपके आ जाएंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख करके कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, हालांकि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका कहीं रोल नहीं होगा, बट फिर भी ये आपको लिखना चाहिए, किताबों में ये लिखी हुई होती है, इसकी इंपॉर्टेंस काफी अच्छी है, मतलब कंसेप्ट वाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी सिंपल भी है इसको समझना। मैं समझा देता हूं, देखो यहां लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू 1 या फिर -5 किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो देखो क्या होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ये मैथ्स में डिफाइन ही नहीं है। तो इसलिए इस चीज को यहां लिख दिया जाता है, आप भी लिखने की कोशिश करना जो काफी आसान है, लिख लेना, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव ही करेगा। खैर जो भी हो, इसे आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, फॉर दैट यू नीड टू टेक द एलसीएम ना। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑब्वियसली ये आएगा और ऊपर आप सबको मालूम है x प्लस 5 माइनस, ये माइनस मैंने लिखा और इस तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा। ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये ब्रैकेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इसकी रोल नहीं है, लेकिन इसकी रोल है क्योंकि इसके कारण ये साइन चेंज होने वाला है। इस तरफ लिख लेते हैं 6/7 इंप्लॉयज दैट, चलिए सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 मैंने लिखा, माइनस x लिखा और देखो ये मैंने प्लस 1 लिखा। ओके अब चाहो तो नीचे मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं, राइट ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, इस तरफ 7 आ जाएगा और 6 के साथ ये चला जाएगा, तो देखो मैंने 6 लिखा और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स और माइनस 5 हो जाएगा ये, राइट ना। और थोड़ा सा देख लेते हैं कहां कहां कैंसिल आउट हो सकता है, और ये हो गया 7 इंटू, ठीक है, इसे आप जब ऐड करोगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6, और ये ब्रैकेट वाले पोर्शन को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो प्लस 4x माइनस 5, राइट ना। मजेदार बात ये है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, और ऐसा करते हैं पहले इसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को उस तरफ लिखते हैं, लेकिन इस तरफ तो लाना ही पड़ेगा, जितने आप चाहो तो स्टेप्स थोड़े बहुत तो जंप कर ही सकते हो। खैर जो भी हो, मैंने पूरा आपको बताया और ये अल्टीमेटली आपको क्या दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा, इसको अब आगे कंटिन्यू करना होगा आपको। चलो मैं साइड में कंटिन्यू करता हूं इस चीज को, यहां देख लो आप, इसे आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 12 का कितना हो जाएगा बताओ मुझे, जब 12 की प्राइम फैक्टर आप लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा और 2 3 जा, बट आपको लाना कितना है 4, तो आप देख सकते हो 6 और 4 के साथ ये 2 के साथ ये ला सकते हो। तो जो भी हो, चलो मैं यही बना देता हूं, एक्स स्क्वायर ठीक है, इसके बदले क्या लिखोगे बताओ, प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या ये इतना आ रहा है, ऐड का मतलब माइनस से तो ऑब्वियसली माइनस ही करोगे, तो इन दोनों को सॉल्व करके देखो इतना आना चाहिए, साइन के साथ आना चाहिए, और इन दोनों का जब मल्टी प्रोडक्ट निकालोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए और ये आ भी रहा है। अब क्या करोगे आप देखो, तो पहले दो से एज यूजुअल आप कॉमन लोगे और आखिरी के दोनों से आप कॉमन लोगे तो यही आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों से आपको मालूम है जैसा भी करते थे वैसा ही करना है, x माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0, तो इसके बाद सबसे पहले तो x प्लस 6 को 0 से इक्वेट करोगे और दूसरी बार x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे, ये आपको दे देगा x का वैल्यू माइनस 6 और ये आपको दे देगा x का वैल्यू 2। तो इस तरीके से दो दो आंसर्स आपने फाइंड किया, यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी इस स्टेटमेंट के लिए तो ऑब्वियसली वो ये तो नहीं ही होंगे, तो फाइनली क्या होंगे, माइनस 6 और 2। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मुझे पहले शायद दे देना चाहिए था लेकिन अभी मैं दे देता हूं, ये जो दो आपने सॉल्व करके निकाला ना, तो इसे आप रूट्स बोलते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब चलिए एक और ट्रिकी वाले क्वेश्चन बना लेते हैं। नो डाउट अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे,
अब इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में मैं कुछ नया बताने वाला हूं और काफी ज्यादा कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। काफी नए नए क्वेश्चंस को आप बना पाओगे इस कंसेप्ट को यूज करके, और ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीख लो इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो जैसे आप एलसीएम लिए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, आप वैसे ही ले लो, एलसीएम ले लो फिर सारा प्रोसेस कर लो। लेकिन अगर वो काम आप करोगे तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की यानी कि सॉल्यूशन की लेंथ कहीं ना कहीं ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहां आप थोड़ा सा ट्रिक को यूज कर लो। ट्रिक क्या है, इस चीज को आप देखो। सबसे पहले आप ऐसा करो कि आप ऑब्जर्व करो कि ये जो दो है, ये सेक्शन, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को देखो, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल रिवर्स है ना। तो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर आपको ऐसा नजर आए कि दो चीज, दो टर्म एक दूसरे का रिवर्स है, तो उस केस में किसी एक को आप कुछ और लेट कर लो। जैसे कि देखो, मैं करके आपको दिखा ही देता हूं। मैं इस वाले सेक्स पार्ट को ऐसा करता हूं, वाई लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसे वाई लेट किया हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसे हमें क्या लेट करना होगा? डेफिनेटली 1/y लेट करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, रेसिप्रोकल है ना। तो इसे मैंने y लेट किया तो इसे तो 1/y ही लेट करना होगा ना। तो ये काम आप कर लेना। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आगे एक और एग्जांपल दूंगा, इसलिए ध्यान से इस चीज को देख लेना। और दूसरे बुक्स को जब आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए ये बताना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस चीज को बिल्कुल केयरफुली आप सुनते जाओ। तो जैसे ही मैंने ये लेट कर लिया तो अब ये हमारे लिए ये नहीं रहा बल्कि ये y में कन्वर्ट हो गया। प्लस इसके बदले क्या लिख सकते हैं बताओ? तो इसके बदले हमें लिखना चाहिए 1/y, और उस वाले पार्ट को तो एज यूजुअल हम कॉपी डाउन कर लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो 34/15 ना, 34/1/515। बस केयरफुल्ली इसे अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 34/1/515। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, तो ये वाई स्क्वायर 15 के साथ आएगा प्लस 1/515 इज इक्वल टू 34y, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो, 15y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आई होप इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। पिछले क्वेश्चंस के जैसे ही अब आपको इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। इतना करने के बाद याद करो, पिछले सारे क्वेश्चंस में यहाँ x थे। देखो भाई, ये x है या y है इससे हमें कोई मतलब है नहीं, आपको सिंप्लीफाई तो एज यूजुअल ही करना है। अब इसे बिल्कुल केयरफुली आप फैक्टराइज कर लो। तो अब सबसे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जो है नो डाउट 225 है, और प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 5 4 20 और 5 5 25, ठीक है, 5 9 45, 3 3। इन चारों के हेल्प से आपको ये लाना है। तो ये भला कैसे आएगा, ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा। तो काफी आसानी से आप ये कर सकते हो, 5 और 5 के साथ हेल्प से आप 25 लिखो, और इसके हेल्प से आप 9 लिखो, यानी कि 25 एंड 9। और 25 और 9 को अगर आप एडजस्ट करोगे तो 34 तो आ ही जाएगा। मैं करके आपके सामने दिखा भी रहा हूं। देखो, 34y के बदले मैं लिखता हूं 25y और -9y इज इक्वल, सॉरी, +15 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं ना। गुड, अब पहले दो से आपको कॉमन ले लेना चाहिए। तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, 5 और y कॉमन लिया जा सकता है। 5 3 15y हो गया ये, ठीक है, माइनस 5 5 25y तो आपने निकाल ही लिया था। अब देखो, इन दोनों से माइनस तो कॉमन ले ही लो, आप 3 भी कॉमन ले लो, तो बताओ क्या बचा, 3 3 9 और ये y बचा, प्लस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 5 तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, 3y-5 और दूसरी ब्रैकेट में 5y-3 इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 3y-5 इज इक्वल टू 0 और 5y-3 इज इक्वल टू 0, ये लिखना होगा। बट रुकिएगा, इसके बाद क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो क्या करना होगा आपको, इस चीज को मैं समझाता हूं केयरफुली, ध्यान से मेरी बातों को सुनते और समझते जाइए। इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को, तो y का आपको वैल्यू मिल जाएगा 5/3, जैसा कि आप देख सकते हो, और इस वाले से क्या मिल जाएगा, 3/5। बट ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ना कि y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो बताओ y की वैल्यू कितनी है, तो ऑब्वियसली इतनी है ना। तो y को हटा करके आपको लिखना होगा x by x plus 1
इज इक्वल टू 5/3। नो डाउट मुझे ये काफी सिंपल लग रहा है, आई होप आपको भी ये क्लियर होगा। अब एज यूजुअल आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो बताइए 3x इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5 हो जाएगा। और चलिए इसको इस तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो -2x इज इक्वल टू 5। अल्टीमेटली इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x एज -5/2। आई होप कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सिमिलरली यू कैन सिंप्लीफाई दिस सेक्शन, कर देते हैं ना, तो देखो मैंने ये लिखा इज इक्वल टू 3/5, तो इसको पहले इस बार ऐसे कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इज इक्वल टू 5x, हम ऐसा कर ही सकते हैं ना। अब देखो इसको 3 लिखते हैं इज इक्वल टू, इसको उस तरह भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, और इस तरीके से x का वैल्यू कितना 3/2, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। तो फाइनली जो x का दो दो रूट्स मिले, यानी कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स मिले, पहला ये दूसरा ये, और नो डाउट ये दोनों क्या है, सॉल्यूशंस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने बनाया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा ट्रिकी ये क्वेश्चन है, और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको भी आप वैसे ही बना लेना। देखो मैं क्वेश्चन ही इनफैक्ट आपके सामने लिखता हूं, 7x plus 1 divided by 5x minus 3, माइनस मैंने 4 लिखा, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा 5x minus 3 divided by 7x plus 1 is equal to 11, ये मैंने लिखा, और कॉमा देकर के जो कंडीशन हम लिखते थे वो क्वेश्चन में कर दिया रहेगा, वो आपको लिखना नहीं है। ओके, फिलहाल उस चीज को मैंने यहां नहीं लिखा है। तो बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, ब्रैकेट आप दे सकते हो। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, और क्योंकि ये रिवर्स है तो मैंने जैसा बताया था आप लेट कर लो इसे, कुछ भी लेट कर सकते हो, तो y कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 5x minus 3 divided by 7x plus 1, इसकी वैल्यू 1/y नहीं हो जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अब क्या लिखोगे, इसके बदले y, माइनस के बदले माइनस, 4 के बदले 4, और इसके बदले 1/y, तो कितना हो जाएगा 4/y हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। कितना देखो आसान प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। नाउ टेक द एलसीएम, y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 11। नाउ यू कैन राइट कितना लिख सकते हो, देखो तो इतना इतना इज इक्वल टू, ये 11 है ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये आपको एक जनरल फॉर्म दे रहा है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे आप सॉल्व करोगे और इससे आपको मिल जाएगा y का वैल्यू, और y के बदले जब ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वही होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने ट्रिक वाले क्वेश्चन को भी बनाया, लेकिन एक और क्वेश्चन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट आपके जो स्कूल में एग्जाम होंगे वहां ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो देख लो देखने में क्या हर्ज है, कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट को ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा, और जब दूसरे बुक्स को आप बनाओगे तो फिर ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि सारे बुक्स के कंसेप्ट को क्लियर कट तरीके से आपके सामने मैं रख दूं। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने में क्या हर्ज है, बनाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे इसे हम बना सकते हैं। इसे बनाने का जो ट्रिक होगा वो कुछ ऐसा होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम यूज करेंगे, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, और सिमिलरली इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में ही आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट वाले फॉर्म में हम लोग प्लस करते हैं और माइनस वाले में डिवाइड करते हैं, या डिवाइड वाले में माइनस करते हैं, खैर जो भी हो हमने ये लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, बस ये लिखना है कि लेट 4 to the power x इज इक्वल टू कुछ भी कंसीडर कर लो, जैसे कि मैंने y कर लिया, और फिर आपको केयरफुल्ली इत्मीनान से बनाना है, मैं थोड़ा इस तरफ से बना लेता हूं। तो देखो इस 4 के बदले मैं 4 लिखता हूं, इसके बदले मैंने y कंसीडर किया तो y मैंने लिखा, उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस के बदले प्लस लिखता हूं, ऊपर 4 के बदले 4 लिखता हूं, नीचे जो कुछ भी है उसको मैं y लिखता हूं, इज इक्वल टू 10 लिखता हूं। नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम, तो आप सबको मालूम है 4y स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y होगा, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 10y, राइट ना। अब देखो क्या होगा, 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और 2 कॉमन प्ले करके डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट के हेल्प से आपको ये लाना है, जो इंस्टेंटली देख करके ही आई होप आप बता सकते हो, एल्स आप कर लो, बट मैं देखो यहां लिखने जा रहा हूं, ये मैं लिखा 4y माइनस 1y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा बिल्कुल हम लिख सकते हैं जो सही है। आप क्रॉस चेक भी कर लो, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, और जब प्रोडक्ट निकालोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, जैसा कि मैंने पहले बार बार बताया। नाउ यू हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स,
तो कितना हो जाएगा 2y, कॉमन मैंने लिया y माइनस 2, एंड इन द नेक्स्ट ब्रैकेट यू कैन टेक कॉमन एज 1 ओनली, 1 कॉमन मैंने लिया, माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी मैंने बताया था ये दोनों हमेशा इक्वल आएगा, और इक्वल नहीं आने का मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। इसके बाद आप लिख सकते हो y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Now either this equal to 0 or that is equal to 0. तो y minus 2 is equal to 0 और 2y minus 1 is equal to 0. इस वाले पार्ट से आपको मिलेगा y का वैल्यू 2 और इस वाले पार्ट से मिलेगा y का वैल्यू 1 by 2. Good. लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये y का वैल्यू है और आपको फाइंड करना था x का वैल्यू। तो इट्स वेरी इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लो जो भी है। एक्सपोनेंट की कंसेप्ट यहां यूज करना है, y के बदले जो भी वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देना, और देखो मैंने लिखा है ऐसे। अब क्या करोगे, 4 को आप क्या 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो, तो देखो 2 टू द पावर 2x मैंने लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 4 के बदले मैंने क्या लिखा 2 टू द पावर 2 और x था तो उसको ऐसे ही लिख लिया। अब देख लो ना ये दोनों सेम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब ये तो बेसिक एक्सपोनेंट की कंसेप्ट है। और इसको मैं लिखता हूं 2 टू द पावर 1, जब दोनों के बेस इक्वल है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, तो इक्वेट कर लेते हैं ना 2x इज इक्वल टू 1, और इस तरीके से x का वैल्यू मिला 1/2। और ये जो है फाइनल सॉल्यूशन रहा इस स्टेटमेंट के लिए। आप क्रॉस चेक इसी फिर से कर सकते हो, क्रॉस चेक करने का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है ना उसे आप यहां सब्स्टिट्यूट करो और बिल्कुल सिंप्लीफाई करो इसे, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा। हर क्वेश्चन में ये आप क्रॉस चेक कर सकते थे। फिर से चलो इसे बना लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2 को क्या 2 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे फिर से हम वैसे ही कर लेते हैं 2 टू द पावर माइनस 1 और 2x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, और ये देगा आपको x का वैल्यू माइनस 1/2। और फिर से आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, x की जो ये वैल्यू है यहां सब्स्टिट्यूट करके देखो, और अल्टीमेटली इसका वैल्यू ये आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर ये सही है। तो खैर जो भी हो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया, और अब मुझे लगता है कि फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपसे बन सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तो आप प्रैक्टिस कर लेना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गए सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।